अम्मल कुनूतु फिल फजरी अबदन फबिदअतुन, जहाँ तक कुनूत नाज़िला को नमाज फजर में हमेशा पढ़ने की बात है, फबिदअतुन तो ये बिदअत है, दुरुस्त नहीं है। कमा सर्रह बिदालिक अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि अल्लाह के रसूल के साथियों ने इस बात की वजाहत और सराहत कर दी। अनबी मालिक अल अशजई सअद इब्न तारिक, यहाँ पर एक ज़रूरी वजाहत कर देना बिल्कुल मुनासिब है, और वो ये है कि अबू मालिक अल अशजई ये वही शख्स है जो सअद बिन तारिक है, यानी अबू मालिक ये सअद की कुन्नियत है और अल अशजई ये नस्बत है, तो गोए के सअद ये वही शख्स है जो अबू मालिक अल अशजई है। तो अबू मालिक अल अशजई यानी सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप तारिक से रिवायत करते हैं, कौल तो सअद बिन तारिक कहते हैं, कुल तो ली अभी मैंने अपने बाप हज़रत तारिक बिन अशियम से कहा, या अबती ए मेरे अब्बू जान, इन्नका कद सल्लैत खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आपने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज अदा फरमाया है, व अबी बकरिन और हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे भी आपने नमाज पढ़ा, व उमरा और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे भी, व उस्मान और उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे भी, व अली और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे भी आपने नमाज अदा किया। हा हुना बिल कूफा, यहाँ इस कूफा में, यानी ए मेरे अबू जान, आपने अल्लाह के रसूल के पीछे और आपके दोस्त हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे, उसी तरह से हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे, और आपने उस्मान इब्न अफ़ान और साथ ही अल्लाह के रसूल के दामाद अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे कूफा में आपने नमाज अदा किया। नहवन मिन खम्स सिनीन, तकरीबन आपने 5 साल तक नमाज अदा फरमाया। फकानू यकनुतून फिल फजर, तो ऐ मेरे अब्बू जान, क्या वह लोग नमाज फजर में कुनूत का एहतमाम करते थे? फ़काल, तो आपने जवाब दिया, यानी तारिक बिन अशियम ने अपने बेटे साद से कहा, ऐ बुनैया, ऐ मेरे बेटे, मुहदसुन, ये तो बिदअत है। यानी आपने बिल्कुल वाज़ह कर दिया कि अगर कोई शख्स नमाज फजर में मुसलसल कुनूत नाज़िला का एहतमाम करता है तो ये सुन्नत नहीं बल्कि ये बिदअत है। सहाबाए किराम के दौर में और ख़ुसूसन अल्लाह के रसूल के ज़माने में इस चीज़ का राइज नहीं था। आप हमेशा मुसलसल लगातार कुनूत नाज़िला का एहतमाम नमाज फजर में नहीं करते, लिहाजा जब ज़रूरत पड़े उसी वक्त कुनूत नाज़िला का एहतमाम करना चाहिए। कोई भी नमाज हो, चाहे नमाज ज़ोहर हो, नमाज असर हो, नमाज मगरिब हो, ईशा की नमाज हो या फजर की नमाज हो, लेकिन नमाज फजर को खास करके लगातार इस नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि सहाबा किराम ने इसे बिदअत कहा है।